अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम अकमल खान है और आप देख रहे हैं अकमल खान ऑफिशियल चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि आप कैसे अपने पाई नेटवर्क का पासवर्ड जो है वो आप कैसे रिसेट कर सकते हैं। अगर आप अपने पासवर्ड को भूल चुके हो और आपने बहुत सारे माइनिंग किए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप कैसे अपने पासवर्ड को जो है वो कैसे रिकवर कर सकते हैं अपने अकाउंट को। तो चलो चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन की तरफ और वहाँ पर देखते हैं कि वो कैसे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलो चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन की तरफ और यहाँ पर मैं आप लोगों को सिखाऊँगा कि कैसे आप अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं। तो देखो अपन, जैसा कि मैं अगर अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने अपना पाई नेटवर्क ओपन एप्लीकेशन ओपन करके दिखाऊंगा। तो जैसा कि मैंने अपने पाई एप्लीकेशन को ओपन किया, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। एक है कंटिन्यू विद फेसबुक, टू नंबर ऑप्शन है कंटिन्यू विद फोन नंबर। तो हम लोगों ने वो जाना है कंटिन्यू विद फोन नंबर पे, तो यहाँ पर हमने क्लिक करना है। इसके बाद हमने यहाँ पर वो नंबर डालना है जिसपे हमने ये एप्लीकेशन जो है रजिस्टर किया है। तो अपना कंट्री सेलेक्ट कर रहे और कंट्री, जैसा कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। तो देख, मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया पाकिस्तान का, तो वो मैं ट्राई करता हूँ उस नंबर पर जिस नंबर पर मैंने वो अपना पाई नेटवर्क का जो है वो रजिस्टर किया है। तो 341, तो आप लोग ये देख सकते हैं मैंने अपना नंबर टाइप किया। इसके बाद मैं गो पर क्लिक करता हूँ, तो गो पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा लोडिंग करेगा। लोडिंग होने के बाद आप लोग ये देख सकते हैं कि अभी पासवर्ड मांग रहा है। ये कह रहे हैं कि यू विल नीड टू वेरीफाई योर नंबर इन ऑर्डर टू क्लेम द कॉइन यू माइन। तो इसी तरह आप लोग ये देख सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है, हम तो बस पासवर्ड भूल चुके हैं, तो हमने क्लिक करना है पासवर्ड पास गेट एन पर। यहाँ पर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग इस इंटरफेस देखोगे तो आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है रिकवर अकाउंट पे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो नंबर है वो खुद बहुत टाइप हो चुका है। अगर किसी का नंबर खुद बहुत टाइप नहीं हुआ तो वो लोग अपना नंबर जो है वो खुद भी टाइप कर सकते हैं। तो आप हमने क्लिक करना है सबमिट पे। जैसा कि मैं सबमिट करता हूँ तो वो कहते हैं कि टैक्स वेरिफिकेशन कोड। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यू विल नाउ नीड टू सेंड अ टेक्स्ट टू और वेरिफिकेशन सर्विस इन द यूएस। तो आप लोग यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर है कि यूएसए जो है वो ठीक है। तो इसी तरह आप लोग जो है ओपन एसएमएस, ये यहाँ पर आप लोग दो ऑप्शन देख सकते हैं, मैनुअल इंस्ट्रक्शन और ओपन एसएमएस। तो यहाँ पर भी मैं आप लोगों के सामने क्लिक करके ये तरीका भी बताऊंगा। ये तरीका, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये तरीका जो है वो उन लोगों के लिए है, ये तरीका जिसके पास ये एप्लीकेशन ओपन है एक मोबाइल में और वो मौजूद है, वो जिस नंबर पे वो रजिस्टर है वो सिम दूसरे मोबाइल में मौजूद है, तो उन लोगों के लिए ये तरीका है। तो उनको ये क्या तरीका है कि ये कोड 399585, ये उन लोगों ने कॉपी करना है और इसी यूएसए नंबर पर जो है वो क्लिक करना है, सेंड करना है, भेजना है। तो ये तरीका था उन लोगों के लिए जिसके पास एप्लीकेशन एक मोबाइल में है और नंबर उसके पास मौजूद नहीं होता दूसरे मोबाइल में, तो उनके लिए ये तरीका है। तो मैं क्रॉस करता हूँ क्योंकि मेरा सिम जो है अभी इस मोबाइल में मौजूद है, तो मैं ओपन एसएमएस पर क्लिक करता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं, हमने अभी ओपन एसएमएस पर क्लिक करना है। ये कह रहे हैं कि सेंड
SMS without changing it and make sure that the text contains a 6-digit code. तो हमने ओपन SMS पर क्लिक करना है. जैसे कि हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलेगा, मैसेंजर और मैसेज पे. तो हमने मैसेज पे जाना है. जैसे कि हम ये आप लोग देख सकते हैं वो नंबर जो है वो हुद ब हुद टाइप हो चुका है. ये इसीलिए टाइप हो चुका है क्योंकि मैंने जो पाई नेटवर्क रजिस्टर किया है वो नंबर जो है अभी भी मौजूद है, इस मोबाइल में मौजूद है, अवेलेबल है. तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये कोड भी ऑटोमेटिकली टाइप हो चुका है तो हमने ये सेंड करना है इसी नंबर पर. अगर ये किसी के मोबाइल में ऑटोमेटिक टाइप नहीं हुआ तो वहां से कॉपी करके यहाँ पर भी पेस्ट कर सकता है. तो आप लोगों ने सेंड करना है ये कोड जैसा कि मैंने सेंड किया. तो आप लोग देख सकते हैं मैंने सेंड किया लेकिन मेरे ख्याल में मेरे पास बैलेंस नहीं है तो अभी मौजूद नहीं. तो इसके लिए आप लोग कम से कम 10 रुपए तो लाजिमी होने चाहिए आपके अकाउंट में. तो इसी तरीके से आप लोग अपना अकाउंट जो है वो रिकवर कर सकता है. तो इसलिए जब ये रिप्लाई आएगा तो आप लोगों के सामने एक पेज खुलेगा, वो आपसे परमिशन मांगेगा. उसके बाद आप लोग न्यू पासवर्ड क्रिएट करोगे तो आपका अकाउंट जो है लॉगिन हो जाएगा बिना किसी भी नुकसान के. तो इसी तरह आप लोग अपना पाई नेटवर्क का जो अकाउंट है वो रिकवर कर सकता है. तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी. अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफिज़.